हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा एक बात बताइए कि आपके घर में ऐसा होता है कि सर में दर्द हो रहा होता है लेकिन पता नहीं डिस्पिन कहाँ रखी है, क्या आपके घर में किसी को चोट लगी है लेकिन आपको ये तो पता है कि सेवलॉन कहाँ रखा है लेकिन ये नहीं पता है कि कॉटन कहाँ रखी है? होता है ऐसा? जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घर में एक बहुत ही बेसिक सा फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो रेडी नहीं होता। तो इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल बेसिक फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगी कुछ बेसिक टिप्स जो कि आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बनाते हैं आपके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं जमाना हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स को। सबसे पहले मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ कि फर्स्ट एड किट कैसा दिखता है। ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन पे, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपार्टमेंट सेक्शंस बने हुए हैं और ये कंपार्टमेंट सेक्शंस बहुत ही इजीली काम में आते हैं जब आपको छोटी छोटी चीजों को अरेंज करना होता है जो कि बाद में मिसप्लेस नहीं होती है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है कि बड़ा कंटेनर, इसके अंदर आप अपनी बड़ी बड़ी चीजें आराम से अरेंज करके रख सकते हैं जिससे कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ आता है ये एक हैंडल जो कि आपको इजी यूजेबिलिटी देता है एंड दिस इज वेरी वेरी लाइट इन वेट। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको अरेंज करना। सबसे पहले मैं इसमें सामान रखना पसंद करूंगी नीचे बड़े वाले कंटेनर के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर रख रही हूँ ये वॉलिनी स्प्रे। आप चाहें तो कोई भी स्प्रे या कोई भी ट्यूब क्रीम कुछ भी रख सकते हैं जो कि आपकी फैमिली को सूट करता है जब कोई स्प्रे आता है या पेन आता है। वॉलिनी के साथ मैं रखना पसंद करती हूँ ये र्यूमाट की क्रीम। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, ये भी स्प्रे ना इसके लिए हेल्पफुल होती है, सो दिस कम्स वेरी हैंडी टू मी। इसके बाद मैं रखना पसंद करती हूँ एक बोरोलिन, कोई भी एक एंटीसेप्टिक क्रीम आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ले रही हूँ बोरोलिन। इसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ सेवलॉन, आप ले सकते हैं सेवलॉन या डिटॉल। मैं सेवलॉन रखना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटा बेबी है और डिटॉल से वॉश करने पे उसको बहुत ही ज्यादा जलता है। जब भी आप अपने फर्स्ट एड किट में रखेंगे सेवलॉन तो उसके संग रखना मत भूलिए कुछ कॉटन बॉल्स को। ये कॉटन बॉल्स बहुत ही हैंडी होती हैं, जब आपको सेवलॉन को अप्लाई करना होता है तो आपको पूरे घर में ढूंढने नहीं पड़ती है, तो जस्ट कीप इट नेक्स्ट टू सेवलॉन ऑलवेज। नेक्स्ट मैं अपने फर्स्ट एड किट में रखती हूँ ये क्रेप बैंडेज। ये क्रेप बैंडेज बहुत ही हेल्पफुल होती है, ये बहुत ही पेन से रिलीव करती है। अगर कोई स्प्रेन आया हो एंकल में रिस्ट में तो ये मेरे जाती है फर्स्ट एड किट में ऑलवेज। इसके बाद मैं यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ एक सिरिंज। एंड नेक्स्ट जो मैं इसमें रख रही हूँ वो है ये सर्जिकल ग्लव्स। ये बहुत ही इजीली आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं। बेसिकली ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अगर कभी कुछ ज्यादा चोट लगी हो तो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो दूसरे बॉडी पार्ट में, तो इसको पहन के आप अपने वुंड को क्लीन कर सकते हैं। तो इसको हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखिए एंड इट इज वेरी इजीली अवेलेबल एट एनी मेडिकल स्टोर। तो ये सामान रखने के बाद हम जमाते हैं अपना स्मॉल सेक्शन वाला पार्ट को। तो यहाँ पे जो बिग वाला कंटेनर है इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ ये थर्मामीटर, क्योंकि मेरे घर में छोटा बेबी है मैं उसका थर्मामीटर भी यहाँ पे रखना पसंद करती हूँ जिससे कि मुझे लास्ट मिनट पे ढूंढना ना पड़े। फिर इसके साथ मैं रखना पसंद करती हूँ कुछ सेफ्टी पिंस को जो कि कभी भी काम में आ सकती है एंड इट ऑलवेज गोज हियर। इसके साथ मैं यहाँ पे रखती हूँ कुछ कॉटन स्वैप्स को। ये मैं इसलिए रखती हूँ कि जैसे कोई छोटा मोटा वुंड हो तो फिर आप इसकी को सेवलॉन में डिप करके क्लीन करें तो दिस इज वेरी इजी और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो दिस इज ऑलवेज देयर इन माय फर्स्ट एड किट। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे रखूंगी वो है ये कॉटन गेज जी, ये पट्टी सिंपल डॉक्टर वाली। इसके साथ ये है यहाँ पे कुछ बैंडेड सिंपल वाला रेगुलर कट के लिए जो कि हमेशा आपके पास होना चाहिए है। ये है इलास्टिक एडहेसिव बैंडेज। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रखूंगी एक डॉक्टर्स टेप। इस वाले सेक्शन में मैं रखूंगी यहाँ पे एक इनो, कोई भी गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए दिस इज वेरी इजी और बहुत ही काम में आता है।
इसके साथ मैं रखूंगी घर में काम में आने वाली कुछ भी जो आपकी रेगुलर मेडिसिन हैं जो आप घर में लेते हैं वो, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ एक मेफ्टाल पास, एक वॉमिट स्टॉप, एक एंटी एलर्जिक, कोल्टैक कोल्ड के लिए, ये है नॉर्फ्लॉक्स जब भी कोई स्टमक अपसेट होता है या फिर लूज मोशंस होते हैं उसके लिए, एंड दिस इज सिंपल आर्ट डिस्प्रिन। नेक्स्ट जो मैं इस रखूंगी वो है एक सीजर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सैनिटाइजर जो कि बहुत ही जरूरी है एक फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट मैं रखूंगी ये कॉन्टैक्ट नंबर्स जो कि बहुत ही हैंडी होते हैं, ये होने चाहिए आपके फैमिली मेंबर्स के जो आपके घर में रहते हैं, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड का, और जो भी आपके लोकल गार्जियन हो उस सिटी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे अपने सिस्टर का और ब्रदर इन लॉ का नंबर लिखा है, तो दिस कम्स इन वेरी वेरी हैंडी। दिस कैन बी यूज इन केस ऑफ द इमरजेंसी। फर्स्ट एड बॉक्स बनाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता और ये आपकी ज्यादा जगह भी नहीं लेता, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए और इसको अपने घर में एक सेफ जगह पे रखिए। तो कहिए कैसा लगा आपको ये फर्स्ट एड बॉक्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करती हूँ आप ये फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में जरूर बनाएंगे और रखेंगे, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो इसको जरूर बनाइए और अपने घर में रखिए। तो अब बारी है, अब हम बात करेंगे कुछ टिप्स की, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था। टिप नंबर 1, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स को ऐसे जगह रखिए जिससे कि उनके हाथ वहां तक ना पहुंचे। टिप नंबर 2, आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर जितनी भी मेडिसिन रखी है उनको रेगुलर चेक करने की हैबिट डालिए कि कोई मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं हो रही, कोई इंपॉर्टेंट मेडिसिन फिनिश तो नहीं हो रही है। टिप नंबर 3, आपके घर में ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है ये आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके केयर गिवर को, अगर आपके बच्चे के लिए कोई घर में आपने नानी रखी है, उन सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है, जिससे कि जब जरूरत पड़े तो उन लोग को पता हो कि कहाँ से मेडिकेशन लेना है। टिप नंबर 4, अगर आपके घर में किसी को कोई स्पेशल मेडिकल केस है, लाइक एस्थमा है, बीपी का प्रॉब्लम है, इन सब के लिए आप जो मेडिसिन रखते हैं इस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, वो सिर्फ मेडिसिन नहीं रखिए, उस मेडिसिन का एग्जैक्ट डोजेज भी लिखिए, जिससे कि अगर आप वहां नहीं हो और आपके अलावा कोई और फैमिली मेंबर हो तो वो भी उसको हेल्प कर सके कि कितना मेडिसिन देना है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब आ रही है टिप नंबर 5, फर्स्ट एड बॉक्स बनाने के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती है जो हमारे घर में जरूर होनी चाहिए, जैसे एक बेसिक स्टीमर, एक फेस छोटा सा फेस स्टीमर आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए। इट कम्स वेरी हैंडी अगर घर में किसी को कोल्ड हो गया, कंजेशन हो गया, साइनस हो गया, सो यू कैन जस्ट इनहेल एंड इट कम्स रियली रियली वेरी हैंडी। सो आई सजेस्ट कि आप अपने घर में एक छोटा सा फेस स्टीमर रखें। सेकेंड, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो किड्स का जो नेबुलाइजेशन वाला मशीन आता है वो आप रख सकते हैं, अगर आपके बच्चे को बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम रहती है तो। और अगर आप देखना चाहते हैं कोल्ड एंड कफ की होम रेमेडीज, तो मेरे इस चैनल में मैंने वो वीडियो अपलोड करा हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, तो डू चेक दैट वीडियो। और अगर आपके घर में एल्डर्स रहते हैं तो आई सजेस्ट टू कीप द बेसिक मशीन, जिसे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यूज कर सकते हो, जैसे बीपी मॉनिटर मशीन हो गया, शुगर मॉनिटरिंग मशीन हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। अब आ रही है टिप नंबर 6 की, विच इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने घर के फैमिली रिकॉर्ड्स जो कि मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको बहुत ही नीटली और ऑर्गेनाइज करके एक ही प्लेस पे रखिए, जिससे कि आपको कभी भी भागने की जरूरत नहीं पड़े जब आपके घर में इमरजेंसी पड़े तो। सो गाइज, डू टेक केयर ऑफ इट बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपको जरूर हेल्प किया होगा, और आपको लगता है वीडियो किसी और को काम में आ सकता है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।